हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। मगर दोस्तों, पुरुषों के मुकाबले महिला में कैल्शियम की कमी ज्यादा पाई जाती है, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं में। जी हाँ, क्योंकि महिलाओं की कैल्शियम खाने से ही बच्चों को कैल्शियम मिलता है और हड्डियों का विकास होता है। अगर वह पर्याप्त कैल्शियम नहीं लेती तो डिलीवरी के बाद माँ के शरीर में भी कमजोरी आने लगती है, जो गठिया और कमर दर्द की वजह बन सकती है। रिसर्च की माने तो भारत में टीन एज लड़कियों में 20%, जबकि 30 के बाद की 70% महिलाओं में कैल्शियम की कमी पाई गई है। बता दें कि 30 साल की उम्र के बाद महिला के शरीर में इस तत्व की कमी होने लगती है, इसलिए ऐसा आहार खाना बहुत जरूरी है जो कैल्शियम का बढ़िया स्रोत हो। और इसके संकेत की बात करें तो इसमें हड्डी कमजोर होना, मान लीजिए यदि आपकी हड्डी में थोड़ी सी चोट लगने पर आपकी हड्डी टूट जाती है तो आप में कैल्शियम की कमी है। दूसरा, दांतों की कमजोरी। यदि आपके दांत में दर्द होता रहता है और समय से पहले टूट जाता है तो जान जाइए कि आप में कैल्शियम की कमी है। इसके अलावा नाखून कमजोर होना, थकावट महसूस करना, चलिए जानते हैं कैसे कैल्शियम की कमी को दूर करें। जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो उन्हें अपने आप दवा नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में फूड सप्लीमेंट भी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लें और सेहतमंद खान पान के साथ ही सप्लीमेंट लें। हरी सब्जियां, दही, बादाम और पनीर कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं। इन सब के अलावा और भी बहुत से आहार हैं जिनका सेवन करके कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है, जैसे कि आंवला, दूध, जीरा, अदरक। दोस्तों, अगर आप हमारी यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पूनम, पंजाब केसरी, दिल्ली।